हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो ये मेरा दूसरा नेक्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं बताऊंगा अपनी गाड़ी से रिलेटेड, यानी एवरेज क्या देती है मेरी ये 55-30-18 चक्का और माइलेज कितना देती है गाड़ी का। और अभी हम तो जा रहे हैं लोड करने गाड़ी को, तो हम लोड करने जा रहे हैं झांसी। तो यहाँ से तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर है, 4-3.5 के पास में है। तो हम लोड करने जा रहे हैं और इसी में आप ब्लॉग में आपको पता चलेगा ये एवरेज कितने का देती है और कितने का नहीं देती है। और हमारी गाड़ी का आपको दिखाते हैं कांटा कितनी तेज चल रही है। तो देख सकते हैं गाड़ी हमारी 80 चल रही है। अरे इसको बंद करते, पीछे हवा आ रही। तो गाड़ी हमारी 80 चल रही है और 80 पे ये एवरेज निकाल रही है 3.9 का, 3.9 का एवरेज निकाल रही है 80 की स्पीड में, 3.9 का एवरेज निकाल लिए। तो अभी हम जहाँ चल रहे हैं, हम इस समय चल रहे हैं चिनाहट लखनऊ के अंदर। यह है लखनऊ रोड, सीधा ये गया है तो वही रोड पर हम चल रहे हैं। हमने जिस टंकी फुल कराई तो हमारा आया था तेल, वैसे मतलब एवरेज क्या मतलब लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, तो 215 ही लीटर आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज गाड़ी को भगा कर और तब एवरेज देखा जाए। वैसे तो गाड़ी मेरी 80 खींची जाती है क्योंकि हमें चक्कर लाना होता है, इसीलिए हम लोकल में ही चलते हैं ना, ज़्यादा दूर जाते नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना चलते हैं आज इस पर एवरेज पर वीडियो बनाते हैं। माइलेज पे गाड़ी की 55-30 BS6 है ये मेरी गाड़ी, उसी पर एवरेज के लिए मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सामने खड़े हुए हैं TI, यहाँ से लखनऊ की एंट्री लग जाती है। चलो कर लो, देखिए यहीं से लखनऊ की एंट्री लग जाती है। ये देखो आ गए, और यही है बाईपास। अबे चल, यही अपना बाईपास है, ये जो सीधा गया इधर सीतापुर चला गया है और यहाँ से सीधा बन रहा है हमारे बाहर बाहर के लिए, लखनऊ से बाहर ही बाहर हम निकल जाएं, इसके लिए ही ये बाईपास बनाया जा रहा है। देख सकते हो प्रयागराज, कानपुर, कानपुर वाराणसी, रायबरेली, यही सीधा चला गया है। ये बाहर बाहर के लिए बना है कि लखनऊ के अंदर गाड़ी जा ना सके, इसके लिए बनाया गया है। तो ये जगह है, अब यहीं ना मिले जाम हम। तो यहाँ से तो आज कई दिनों से मौसम बड़ा बेईमान है और दुकान तो आकर कई बार चला भी गया है। मौसम तो अब बहुत दिनों से बेईमान है क्योंकि पानी यहाँ बहुत गिर रहा है और गर्मी बहुत दिनों से पड़ रही थी, इसलिए आज 3-4 दिन से मौसम बहुत बेईमान हो चुका है और पानी लगातार हमारे यहाँ बरस रहा है यूपी के अंदर। बहुत दिनों से पानी गिर रहा, 3 दिन हो गए गिरते हुए। 4.1 का इस समय हमारी गाड़ी एवरेज दे रही है 4.1 का, तभी था 3.9 का था, अब 4.1 का है। तो ये जो है ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।
तो हम जाएंगे मोहनलालगंज, क्योंकि यही हमारा बाईपास है जो हम वहाँ नो एंट्री क्रॉस करके निकल सकते हैं, बाहर ही बाहर निकल जाएंगे, लखनऊ के अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा हमें। तो हम मुड़ते हैं दाहिनी की ओर, हम मुड़ चुके हैं लखनऊ को, लखनऊ तो बाहर ही निकल गया, अंदर को हम मुड़ चुके हैं मोहनलालगंज रोड पर। तो देख सकते हैं बाहर से, ये देखिए उधर को जंगे में मार दी से गाड़ी, टूल 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 आगे का उका टूल बे गाड़ी का चलेगा अब का कहा हाथ है समझिया देखी तो यही मतलब रात में कहा तो बड़ी हाली आएगा खाली करके। ये देखो हो जा रहे हैं, दिन मर जाइए ना हिंदू में ना मुसलमान में ये है गुसाईगंज, मेन रोड गुसाईगंज है ये, यही बाईपास बाहर ही बाहर लखनऊ के बाहर ही बाहर निकाल देता है हमें, नो एंट्री से जूझना ही नहीं है हमें। यहाँ पर भाई साहब बहुत जाम लग जाती है, मैं सुबह सुबह आया हूँ तो इतना जाम नहीं मिल रहा है, और फिलहाल आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी इधर से आ रही है। देखो जब नो एंट्री उधर से लग जाती है लखनऊ में तो वो सारी गाड़ियाँ इधर ही बाईपास से ही आती हैं, और जैसे ही उधर नोएंट्री लगती सब गाड़ी इधर घूम जाती है, हम खुद ही इधर से आए हैं। ये देख रहे हो गाड़ी कितनी आ रही है इस बाईपास पे, उधर से आने वाली गाड़ी बहुत हो रही है, इधर से पीछे तो अपने ज़्यादा कोई है ही नहीं। और तो अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है 50 किलोमीटर, तो हमने ट्रिप सेट किया था 50 जो हमारी गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर, तो अभी दिखाते हैं आपको ये रहा 50 किलोमीटर। हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर चली है और एवरेज है उसका 4.1 का अभी, और स्पीड है वही 50-60 के पास, क्योंकि सिंगल रोड है इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही गाड़ी चलने में। ये क्रॉसिंग थी बंद, क्रॉसिंग खुल गई है और निकलते हैं रोड पर, हाईवे पर। तो आपको दिखाते हैं कौन सा हाईवे है, ये अभी आपको दिखाते हैं। अभी हम चल रहे हैं इलाहाबाद रोड पर सीधा, और आगे से कट मिलेगा तो हम उधर से घूम कर आएंगे लखनऊ रोड के लिए, आगे से कट लगा कर घूम के गाड़ी लेकर आएंगे उस पट्टी पर, उसके बाद घूमेंगे उधर मोहनलालगंज रोड पर। तो हमको कटिंग मिल गई, तो हम कटिंग से उस पार जा रहे हैं लखनऊ रोड पर घूमकर। Thank you.
चलो 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 आराम से रुक जाओ। तो यहीं से लगती है एंट्री, लखनऊ की एंट्री यहीं से लग जाती है। हम जिस मोड़ से मुड़े हैं उसका नाम है जुनाबगंज तिराहा और ये हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये है कानपुर रोड। तो ये ऊपर का काम हो रहा है मेट्रो का, जो कि यहाँ मेट्रो का काम होने वाला है, यानी मेट्रो के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है और नीचे बनेगी 6 लाइन पूरे बड़े में। तो अभी हम रुके थे नवाबगंज टोल प्लाजा से पहले थोड़ा चाय नाश्ता करने के लिए, चाय नाश्ता कर लिया। अभी उस्ताद अपने चेक कर रहे हैं गाड़ी, उसके बाद निकलते हैं आगे, चाय वाय पी रहे हैं। और ये रहे, तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी उस्ताद जाएंगे, थोड़ा मतलब नींद लग रही है उनको, रात भर चलाए हैं ना गाड़ी, क्योंकि हम 24 चक्कर जा रहे हैं, यानी 800 किलोमीटर 24 घंटे में हमें जाना भी है। ढकार आ गया, मतलब मजा आ गया, पेट भर गया ना। तो हमें 24 घंटे में 800 किलोमीटर, 400 जाना है 400 आना है, 800 किलोमीटर टोटल चलना है। तो इस रोड पर ट्रैफिक बहुत है, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप डालूंगा व्लॉग में, क्योंकि इस रोड पर बहुत ट्रैफिक है, इसीलिए मैं थोड़ा गाड़ी चलाने पर ध्यान दूंगा, मैं वीडियो कम बनाऊंगा, व्लॉग थोड़ा कम बनाऊंगा। देख सकते हो कितना ट्रैफिक चल रहा है इस रोड पर। और वो सामने भी टोल प्लाजा है, इस रोड पर बहुत ट्रैफिक है, ये देख रहे हो, इसीलिए मैं व्लॉग की थोड़ी थोड़ी जहाँ मैन होगी उस जगह की क्लिप डालूंगा, और जहाँ जहाँ मतलब सिटी होगी उस टाइप की थोड़ी सी क्लिप ले लूँगा 1-2 मिनट की, और पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं व्लॉग में, क्योंकि मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं अकेले चलाऊंगा, क्योंकि उस्ताद सोएंगे अपने, इसीलिए मैंने सोचा, नहीं तो मैं फुल व्लॉग डालता, पर किसी दिन साथ में दोनों लोग होंगे, फ्री होंगे तब डालेंगे, क्योंकि आज उनकी नींद लग रही है, इसी की वजह से मैं अकेले ही चलाऊँगा और वो सोएंगे। अभी हम चल रहे हैं कानपुर रोड पर, ब्रिज पर, ब्रिज कानपुर ब्रिज, और ये सब साइडों में फैक्ट्री लगी हुई है। और अभी अपनी गाड़ी एवरेज दे रही है 4.5 का, और 146 किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी। सो गाइस, हम निकल चुके हैं बाराजोल टोल प्लाजा, ये है बाराजोल टोल प्लाजा, और हमें आगे से लेना है माए को झांसी रोड के लिए। ये अपने उस्ताद सो रहे हैं और आप चल रहे हैं, ये आगे से बाएं झांसी के लिए गया है, और ये सीधा चला गया है इटावा, फिरोजाबाद, औरैया,
तो हमें यहाँ से बाएं लेना है, तो हम यहाँ से बाएं जाएंगे। अब वो जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है वो उधर से आने वाली गाड़ियों के लिए है, तो हम इधर से करते हैं बाएं। तो हम आ चुके हैं झांसी रोड के लिए, हम झांसी रोड में मिल चुके हैं, एंटर कर चुके हैं अंदर को। अपनी गाड़ी एवरेज दे रही है 4.6 का, जो कि स्पीड है उसकी 60 और 60 से 70 60 के बीच में है, तब से ये एवरेज 4.76 का दे रही है। हमने अभी आटा टोल प्लाजा पार किया और यहाँ भी पानी बहुत तेज गिर रहा है, देखो। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने और गाड़ी चलाएंगे ये भाई साहब, ये चलाएंगे गाड़ी। तुम चलाओगे गाड़ी? तुम चलाओगे? क्या है? हाँ, तो अब ये गाड़ी चलाएंगे और मैं जाऊँगा सोने, और मैं सोऊंगा तो ये व्लॉगिंग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये मोबाइल चला नहीं पाते इतना, तो मैं सो जाऊँगा इसी बरसात में। मज़ा आएगा सोने में, देखो खाली पानी देखोगे नहीं, तेज गिर रहा है। अरे भैया क्या मौसम आया है, तो मैं सो जाऊँगा और मिलते हैं वहीं क्रेशर पे, जहाँ मैं गाड़ी ला दूँगा वहीं क्रेशर पे मिलते हैं। तो अभी देखते हैं हमारी गाड़ी कितनी चली। हमारी गाड़ी चली है 237 किलोमीटर और 4.6 का एवरेज है। 237 में अभी वैसे भी डीजल का मीटर वैसे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है, कुछ 237 किलोमीटर चली है, डीजल के मीटर का कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और क्या कहते हैं उसको 4.6 का एवरेज दे रही है अभी। और लास्ट की जब चलेंगे तो देखते हैं कितना एवरेज देती है। वैसे तो मैं तो अब सोने जा रहा हूँ, ये कर नहीं पाएंगे लोग, तो वहीं मिलते हैं क्रेशर पे। तो चलो चलते हैं क्रेशर पे, मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। तो जस्ट मैं अभी सो के उठा और अभी जस्ट मैं उठा हूँ सो के और गाड़ी को लगा दिया लोडिंग पर, गाड़ी हो रही है लोड। पानी यहाँ भी बरस रहा है और पानी आगे भी बरस रहा था और बरसने लगा भी आज, और यहाँ भी पानी बरस रहा है। दोस्त अपनी गाड़ी हो रही है लोड, तो अपनी गाड़ी है लोडिंग पे लगी हुई, लोड हो जाए काटा करा ले और उसके बाद कागज मिले तो निकलेंगे यहाँ से। और अभी भी हमारी गाड़ी एवरेज दे रही है, कितना दे रही है एवरेज? 4.4 का। तीन सौ 60 किलोमीटर है पूरा। तो गाड़ी को हम वहाँ से लोड करके चल चुके थे और हम पहुँच चुके हैं नवाबगंज। नवाबगंज में लगा हुआ है बहुत लंबा जाम और वहीं हम खड़े हुए हैं जाम में, और हमारी गाड़ी भी एवरेज दे रही है। देखते हैं कितना एवरेज दे रही है। वैसे ये हमारी गाड़ी चली हुई है 630 किलोमीटर और 3.7 का एवरेज दे रही है टोटल। अभी ये देखो किलोमीटर इसका और बढ़ेगा क्योंकि हम अपनी मेन जगह बाराबंकी नहीं पहुँचे हैं, और जहाँ गाड़ी खाली करना है वहीं पहुँच के सब पूरा डिटेल होगा, पता चलेगा। और जब टंकी फुल कराऊंगा तब पता चलेगा कि कितना तेल आया है इसमें, डीजल कितना डीजल आया है, कितने किलोमीटर में कितना का एवरेज दिया है इसमें। और माल इसमें 42 टन लोड है, गाड़ी के अंदर 42 टन माल है, और मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊँगा, मॉर्निंग में सुबह के टाइम में आपको दिखाऊंगा मॉर्निंग में कि कितना डीजल आया और
कितने पैसे का था और कितना डीजल आया, कितने लीटर में था। और अभी तो उस्ताद सो रहे हैं अपने, और गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ और अकेले ही हूँ और जाम में लगा हुआ हूँ। और जब जाम खुलेगा तभी यहाँ से चल पाऊँगा। और वैसे तो मैं मॉर्निंग में आपको मिलूँगा डीजल भराते हुए, तो चलते हैं आगे भी और मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है फिर से एक बार व्लॉग में। तो अभी हम गाड़ी को खाली करके गांव से निकल रहे हैं, दिखाते हैं आपको गांव। ये देखो तो व्लॉग लंबा ना हो इसलिए मैंने ज्यादा वीडियो क्लिप मतलब छोटी छोटी क्लिप बनाई है, इसलिए व्लॉग मुश्किल से मैं 10 मिनट का रखना चाहता हूँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का। पर इसीलिए मैंने थोड़े छोटे छोटे क्लिप डाले हुए हैं इसीलिए, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो। तो हमारी गाड़ी चल चुकी है अभी, हाँ कितनी चली है सात सौ 78 किलोमीटर चल चुकी है और एवरेज दे रही है ये 3.4 का। 778 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है और माइलेज है इसका 3.4 का दे रही है, यानी 3.5 का दे रही है। अभी तो खाली हो गई मतलब गाड़ी, और हम जहाँ खाली करने आए थे वो जगह है सूरतगंज, जो फतेहपुर और सूरतगंज जो इधर वहाँ और वो क्या कहता है लालपुर करोता के अंदर आए थे हम खाली करने। और ये इधर रामनगर साइड से हम आए थे महादेवा रोड होते हुए। तो चलते हैं बाराबंकी में, टंकी फुल कराते हैं, देखते हैं कितना तेल आता है और कितने पैसे का और कितना लीटर होता है। तो चले टंकी पर मिलते हैं आपको, है टंकी पर। कितना हुआ तेल? 247 लीटर का तेल आया, 22,202 रुपये का, 247 लीटर। कितनी चली है गाड़ी? मरना चाह तो गाइस अभी हमने गाड़ी को लगाया साइड में डीजल डला के, और हमारा डीजल आया है 247 लीटर, जिसके प्राइस पैसा पड़ रहा है हमें 22,202 रुपये का। तो हमारी गाड़ी चली थी 826 किलोमीटर और हमने गाड़ी को खींच के चलाया है, यानी 70-80, 70-80-60 के बीच में, 3 स्पीडों के बीच में बंधी रही है मेरी गाड़ी। और ये टाटा 5530 है VS6 और 826 किलोमीटर चली है। आप जिस तरह एवरेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। वैसे मेरी गाड़ी तो 247 लीटर खाई है तेल, और वैसे कोई कमी नहीं है, अगर हम लोग एवरेज लेते तो तेल अच्छा आता, पर हमने खींच कर चलाई गाड़ी इसलिए क्योंकि हमें चक्कर लाना था। 826 है किलोमीटर, और सोच सकते हैं आप हम निकले थे सुबह, वही सुबह निकले थे यहाँ, यहाँ से हम निकले थे 7 बजे सुबह निकले थे डीजल डला के, तब आया था 215 लीटर। उसके बाद हम खाली करके मतलब वही जैसे ही दिन में गए और वहाँ दिन में पहुँच गए, 3 बजे पहुँच गए, 3 बजे लगने के बाद हमने गाड़ी को लेकर वहाँ से चल दिए 3 बजे से, और 3 बजे से चलते चलते हम आ गए यहाँ रात में वही 4 बजे आ गए थे अपने बाराबंकी में, 400 किलोमीटर चलाकर 4 बजे तक आ गए थे। गाड़ी की खिंचाई थी कर रही थी ना हम लोगों ने, खींच कर गाड़ी आए थे तो हम आ गए थे 4 बजे तक। उसके बाद सुबह हमने वही 10-11 बजे तक आकर टंकी पर डीजल डलाया बस, और डीजल तो वैसे सही खाया इसने, कोई गलत तो खाया डीजल खाया नहीं है, क्योंकि गाड़ी जिस तरह आप चलाओगे उसी तरह डीजल खाएगी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो माइलेज इसका सही है, ये VS6 है, बाकी सब गाड़ियों से मुकाबले ही डीजल अच्छा खाती है और बढ़िया भी खाती है। आपके नॉलेज पे हो सकता है ड्राइवर कैसे चला रहा है गाड़ी, कैसे नहीं चला रहा है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टा आईडी पर भी आप भाई हमको फॉलो कर लेना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, और अगला वीडियो बताना किस चीज़ पर रहेगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जय हिंद जय भारत। तो बाय बाय, चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।